नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे सभी किसान दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि भाई ब्रीडर कैसा हो, है ना, क्या उम्र होनी चाहिए और कैसा हमको जो बच्चा होता है उस टाइम पर हमें किन बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम इसे ब्रीडर बनाना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जय गोट फार्म के ओनर जो हैं महेंद्र जी, उनसे हम इस बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीकम सर जी, हम इनसे भी जानेंगे कि जो इनके फार्म पर जो ब्रीडर आप देख रहे हैं वो क्या दांत के हैं, मतलब क्या एज है उनकी, क्या वेट रेशियो है और कैसे तैयार किया जा सकता है, हर एक किसान का सवाल मेरे से रहता है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या खिला रहे हैं सर इनको? इसको गुज्जी और बाजरा। गुज्जी और बाजरा? बाजरा, सर्दी में बाजरा गर्म रहता है, एक गर्म रहता है, मौसम गर्म रहते हैं ना, सर ठंडी मौसम में बाजरा काम देता है जी जी, ये गर्मी में जो गुज्जी खुलाते हैं जी, जो हम दोनों मिला के खुलाते हैं। सर जो ये ब्रीडर हम देख रहे हैं क्या बॉडी वेट होगा इसका? इसका होगा 95 किलो। 95 किलो? हाँ, ये चार दांत बकरा है। चार दांत बकरा? कोई भी अगर किसान भाई नया बकरी फार्म खोल रहा है उसे अपने यहाँ पर छोटे बच्चों को ब्रीडर बनाना है तो कैसे उसका चुनाव करना चाहिए? उसको अच्छा बकरा लो, सिरोही बकरा। अच्छा हम किसे कह सकते हैं कि जैसे उसके, जैसे ये सिरोही बकरा है ना, हाँ हाँ, इसका 4 महीने का बच्चा लो जी, 4 महीने का लेके इसको ऐसा अच्छा खाना ना दो, अच्छा खाना से बकरा तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। देखिए जैसे इस पर आप देख सकते हैं इसके कानों की लंबाई, इसके सींग का, है ना, इसके सामने का पोर्शन जो ब्रीडर का सबसे टॉप होता है कि भाई अपन को क्या देखना होता है, सीना उसका चौड़ा होना चाहिए, कानों की लंबाई होनी चाहिए, झालर होनी चाहिए, है ना, कान लंबे, सींग एकदम चिपके हुए होने चाहिए और हाइट बराबर होनी चाहिए, पैर की मजबूती होगी इसकी, जिसमें ये चीज आ गई ना इसकी, पैरों की मजबूती, पैरों की मजबूती फुल मजबूत। जैसे हेवी हो तो ये जैसे 100-150 किलो का अपन 200 किलो का जानवर बनाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी। जैसे अपने पास जैसे सारा बड़ा रेवड़ है अपने पास, तो उसके अंदर क्या आएगा, जैसे अपन ब्रीड तैयार कर रहे हैं तो सारे जितने भी हेवी अपन जानवर बना लें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे उनका पैर कभी घूमेगा नहीं। कई जानवर हैं तो हाइटेड जानवर रहते हैं तो पैर घूम जाते हैं उनके, अक्सर देखने को मिलता है कहीं कहीं किसानों के पास। लेकिन अगर पैर की मजबूती देख रहे हैं अपन तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसे डबल हड्डी का जानवर रखे ब्रीडिंग में तो डबल हड्डी इसमें है, डबल हड्डी आपको दिख रही है, जैसे चार दांत पे आज तैयार हुआ है, जैसे 20 महीने का बच्चा तैयार हुआ है जी, तो उसमें डबल हड्डी दिख रही है आपको, इसे शूट करो आराम से, इसमें जैसे क्या दिख रहा है आप बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ की लंबाई देखें इसकी जी जी, इसकी लंबाई आप देख सकते हैं, है ना, लंबे कान है, फुल लंबे कान है। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो गुजरी का है, साथ ही साथ हमारे पास है ना गुजरी का जो ब्रीडर खड़ा हुआ है इसके ऊपर फोकस करिए थोड़ा सा, कि ये भी जो है वो उसी तरीके से जैसे कि सिरोही का बकरा तैयार हो रहा है वैसे ही तैयार ये भी बकरा हो रहा है। की मजबूती देखो, यहाँ से इसको, इसका यहाँ की थोड़ा ही देखो फिर जी जी, पैर देखो घोड़े का नहीं है इतना थोड़ा, हर मतलब बकरे में इतना मोटा पैर नहीं मिलता अभी, जैसे ग्रोथ तो इसकी कम है फिर भी इतना अच्छा है। मुँह रोमन है इसका, एकदम गुलाबी चमड़ी में है जी जी, प्योर गुजरी में है जी जी। सर मैं एक और बहुत अच्छा ब्रीड आपके यहाँ पर बकरा देख रहा हूँ, है ना, जिसे आपने साथ खस्सी करा के रखा हुआ है, ये कौन सी नस्ल है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। करौली कोटा में आता है जी जी, इसके ईयर देख सकते हैं आप, हाँ हाँ, सींग देख सकते हैं बिल्कुल, मुंह का रुआब देखो जी जी, जैसे इसमें रोमन नोज आ रहा है, हाँ हाँ, फुल लंबे कान है, हाँ हाँ, पैरों की मजबूती देखें बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पैरों की मजबूती आप देखिए, क्वालिटी आपके सामने है क्या क्वालिटी है इसके अंदर दिख रहा है, व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं उनको जो प्रेजेंट में क्वालिटी दिख रही है वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल क्वालिटी है, हाँ, जैसे 2 साल का बच्चा तैयार हुआ है अभी, हाँ हाँ, और 100 kg प्लस है जी। कानों की लंबाई देखिए, बिल्कुल कानों की लंबाई पर जरूर ध्यान दें, बहुत कोटा है तो सींग जो है वो राउंड शेप में आएंगे, खड़े आएंगे एकदम खड़े, है ना, और कलर जो पैटर्न मुझे लगा, हाँ, टॉप बिल्कुल हर जगह ब्रीडर रखे तो इस टाइप का रखे अपन, पैरों की मजबूती देखे, हाँ, लंबाई लेंथ देखे, लंबे ईयर्स ये जो होते हैं वो भी देखें, रोमन नोज देखे उसका, बिल्कुल उभरा हुआ नोज है, इतना उभरा हुआ नोज हर एक जानवर में नहीं मिलता है अपने को देखने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी चीज़ है जी जी। तो किसान दोस्तों मैं
है ना, ये जानना चाहूंगा सर से लास्ट में। हाइट भी अच्छी है, इतनी हाइट, जैसे हाइटेड बच्चा अपन ब्रीडिंग पर्पस से रखें तो इसकी हाइट देखें आप, जैसे 41-42 हाइट पे पहुंच जाता है जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, मुझे एक बारीकी मुझे बताइए जो हमें देख रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास छोटा बच्चा है, उसकी खुराक कैसे मेंटेन करें, है ना, ताकि वो जब ब्रीडिंग के लिए आए तो उसकी हाइट वेट में, जैसे जन्म दे रहा है बच्चा तो उसको दूध पिलाने का सिस्टम रखे, जैसे 15 दिन तक अपने को कम दूध पिलाना उसको जी। जैसे उसका क्या होता है, जैसे जो नया दूध बनता है बकरी का तो वो जमाव हो सकता है, और एक चीज उसके अंदर रखे जैसे हल्दी और तेल हमेशा, जैसे 15 दिन तक रेगुलर पिलाए आप, बिल्कुल छोटा चम्मच जो अपन खाना खाने में यूज करते हैं वो हल्दी और चम्मच बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दे सकते हैं उसको, मतलब हर रोज पिलानी है 15 दिन तक, तो बच्चे के कोई जमाव होगा नहीं, आराम से मेंटेन होगा। फिर उसको फुल दूध पिलाओ 15 दिन बाद, पहले कम पिलाना है। और देख दूध, जैसे जानवर कहीं भी खाना पीने जा रहा है तो लास्ट टाइम में उसका दूध निकाल के फिर उसको दूध पिलाए, ये नहीं कि धूप में घूम के आई बकरी हाथों हाथ दूध पिला दिया तो उसके जमाव होके लूज मोशन होके, अक्सर देखने को मिल रहा है कि बच्चे मर भी जाते हैं, ये चीज़ है कि तो छोटे बच्चों में मोर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है ना। और मैं ये फिर जानना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए वो खाना शुरू कर देता है 15-20 दिन या एक महीने के बाद जब वो पत्तियाँ खाना दाने खाना शुरू कर देता है तो क्या डाइट अपन को देनी चाहिए ताकि धीरे धीरे वो अपन प्रिपेयर करते चले। शुरू में तो हरी पत्ती दे सकते हैं अपन, फिर उसको दाना पानी धीरे धीरे खिलाना स्टार्ट करें अपन, सिखा दें उसको भाई ऐसे खाना है अपने को, तो धीरे धीरे तैयार होता है। फिर दूध का जैसे सिस्टम हो जाएगा वो पिलाने का, अपन फुल पिला सकते हैं उसको बाद में। और जैसे वो 3-3.5 महीने का दूध पीता हुआ बच्चा अपने को तैयार करना है जी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ब्रीडर के ऊपर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें सर से सुनने मिला। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।